हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SBI क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है SBI कार्ड लेने के लिए। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स की बात करूं तो SBI के पास 8 कार्ड हैं और इनकी फ़ी की बात करूँ तो 499 रुपये से लेके 4999 रुपये तक है। वो कार्ड पे डिपेंड करता है आप कौन सा कार्ड लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स SBI के हैं, जैसा कि मैंने बताया 8 कार्ड हैं। तो अलग अलग कार्ड हैं, SBI सिंपली सेव, सिंपली क्लिक, यात्रा, SBI, SBI प्राइम, IRCTC, इन सभी के बारे में अलग से हम वीडियो में बात कर लेंगे एक एक पर्टिकुलर कार्ड के बारे में। जैसे कि अभी अगली वीडियो आने वाली है SBI सिंपली क्लिक कार्ड के बारे में, ठीक है, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो SBI कार्ड है वो 4 तरह से आपको मिल सकता है। 4 एलिजिबिलिटी जो है वो 4 तरह की आपकी आपके पास होनी चाहिए। या तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ से आपको सैलरी स्लिप मिल सके, ठीक है, सैलरी का हो गया फर्स्ट। दूसरा, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर भी आप कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड। तीसरा, आप FD के ऊपर भी ले सकते हैं, आपने कोई FD बैंक में ओपन करवा रखी है तो उस पर भी आपको कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ है वो आप कार्ड टू कार्ड भी ले सकते हैं, यानी कि पहले से ही आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का तो उसके अगेंस्ट भी आपको दूसरा कार्ड इशू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 तरीके जिनसे आपको मिल सकता है। अब इन सभी तरीकों को एक एक करके हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स, तो 21 से लेके 60 साल के बीच वाले जो पर्सन है उनको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी और के लिए एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें उनकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो एड ऑन कार्ड के बारे में भी हम अलग से जो दूसरी वीडियो आएगी क्रेडिट कार्ड के बारे में पर्टिकुलर, तो उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और जो सैलरी पर्सन के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो है 20,000, यानी 20,000 रुपीज आपको मिलनी चाहिए। सैलरी स्लिप जो आती है उसमें 20,000 रुपये आपके होनी चाहिए, ठीक है, जो सैलरी स्लिप है उसमें। और सैलरी स्लिप जो है वो मिनिमम 2 मंथ की आपके पास होनी चाहिए, पिछले 2 मंथ की, यानी अभी आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। ये अगर आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का वो सैलरी स्लिप पे मेंशनड है, सैलरी स्लिप पे लिखा हुआ है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी पिछले 2 या 3 महीने की। वो भी आपको, ये जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ और कुछ भी कोई भी डाउट दोस्तों आपके पास आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है वो मैं दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी हम करवा देंगे आपको, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी ये तो बता दिया कि मैंने सैलरी पे आपको किस तरह से मिलेगा, बिजनेस पे भी आपको मिल सकता है जैसा कि हमने पहले बताया। तो बिजनेस में आपको ITR की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, ITR जो फाइल करते हैं आप, इनकम टैक्स रिपोर्ट। और उसके अलावा आपके पास सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है कि पहले आपने लोन कोई आपकी ओवरड्यू तो नहीं हुई है कोई EMI, तो उस पे भी ये डिपेंड करता है। बिजनेस में मेन 2 ही चीज़ें चाहिए, ITR चाहिए और सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तो लगने ही वाले हैं, डॉक्यूमेंट भी मैं लास्ट में बता दूंगा क्या क्या आपको लगने वाले हैं इसके अलावा, ठीक है। अभी FD पे किस तरह से आपको मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। तो FD में मिनिमम 1 साल की आपको FD करवानी पड़ेगी और मिनिमम 20,000 रुपये की आपके पास FD होनी चाहिए, ठीक है। FD 20 या उससे ऊपर आप कितने की भी करवा सकते हैं, मिनिमम 20,000 की तो होनी ही चाहिए और वो मिनिमम 1 साल के लिए, ठीक है। और जो आपके कार्ड की लिमिट है FD पे वो आपको 80% ऑफ योर FD मिलेगा, यानी कि अगर 20,000 की आपने FD करवा रखी है तो उसका 80% यानी 16,000 रुपये आपकी लिमिट हो जाएगी आपके क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। और मान लो 1,00,000 रुपये की आपने FD करवाई हुई है तो 80,000 रुपये आपकी लिमिट हो जाएगी आपके क्रेडिट कार्ड की। तो ये हो गया FD का। FD में कोई डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, बस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए SBI में और वहाँ पर आपकी एक FD होनी चाहिए। अब हमारे मन में एक सवाल ये भी है कि अगर हम FD करवा दें और उसके बाद हमें कार्ड मिल जाए, उसके बाद हम FD को बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। FD को अगर आप बंद करेंगे तो आपका कार्ड भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, FD वाले कार्ड पे FD का चालू रहना ज़रूरी है। अगर आप FD बंद करते हैं तो कार्ड बंद हो जाएगा और कार्ड बंद करेंगे तो FD आपकी चालू ही रहेगी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है कि कार्ड FD पे है ना कि FD कार्ड पे है, ठीक है। और खुद से आप ऑनलाइन FD बंद भी नहीं
नहीं कर सकते। पहले आपको अपना जो लीन अमाउंट लगा हुआ है वो बैंक में जाकर उसको हटवाना पड़ेगा कि मेरा लीन अमाउंट इतना अमाउंट इस पे लगा हुआ है इस कार्ड पे, ठीक है। पहले वो हटेगा फिर वो एफडी आपकी बंद होगी। तो ये भी एक, जैसे कि ऑनलाइन कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं एफडी और क्लोज भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर उस पे मिला हुआ है तो एक लीन अमाउंट लगा हुआ होता है, वो लीन आपको हटवाना पड़ेगा बैंक में जाकर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है एफडी से आप कार्ड ले सकते हैं। एक और तरीका है कार्ड टू कार्ड। एक कार्ड आपने ले रखा है किसी भी बैंक का, SBI के अलावा कोई भी बैंक हो चाहे, या फिर SBI का भी हो सकता है, तो किसी भी बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको एक और कार्ड इशू कर सकता है बैंक, ठीक है। आपको बैंक में जाना है और उनको बोलना है कि मुझे एक और कार्ड चाहिए, तो वो आपको इशू कर देंगे, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आप SBI कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं और ज्यादा जानकारी चाहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, उस पे आप कर सकते हैं और जान सकते हैं। और अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एजेंट के थ्रू ही आपका होता है और यहाँ पे भी हमारे थ्रू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको क्या चाहिएंगे, और उसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। वो क्या क्या हैं? आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको मेंशन करनी है, मदर नेम मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड डालना है, कंपनी नेम जिस कंपनी में आप काम करते हैं और कंपनी में आप किस पद पर काम कर रहे हैं वो, ऑफिस का एड्रेस देना है, पिन कोड देना है आपको ऑफिस का, और ईमेल आईडी देनी है आपको अपनी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आप चाहें तो एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट SBI की वेबसाइट पे जाकर। अगर वहां से आप किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप लिख देना क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या फिर SBI कार्ड या कुछ भी लिख देना। हाय मत लिखना क्योंकि हमारे और भी बिजनेस हैं, उस पे भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए समझना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए आप SBI क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक आपको कार्ड चाहिए तो आपको सिंपली लिख देना है क्रेडिट कार्ड, हम आपको पूछ लेंगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, जय हिंद।